మీకు వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. రెగ్యులర్ నోటిఫికేషన్స్ కోసం బెల్ బటన్ని ప్రెస్ చేయండి. वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल वैभव एडवांस लर्निंग. वैभव एडवांस लर्निंग में आज फिर आपका स्वागत है. आज के वीडियो में हम इलेक्ट्रिकल सर्किट का चौथा पार्ट लेकर आए हैं और आज का वीडियो बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन यहाँ आपके सामने सॉल्व होंगे. आप इसको देखिए, समझिए और जानिए. आपको अच्छा लगे, मेरा वीडियो यूजफुल लगे तो आप इसको शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए. देखिए, आपके सामने एक क्वेश्चन रखा गया है. ये पूछा जा रहा है इन दोनों के बीच जो है पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, अर्थात That is VPQ is equal to what? You have to determine the value of VPQ. ठीक है, अब हमको VPQ find out करना है. देखिए, इसका बहुत ही सार ट्रिक है कि आप इसको देखें और आंसर लगा दिए. ऐसा ट्रिक है मेरे पास, लेकिन अभी नहीं बताएंगे. पहले आप इसका सोल्यूशन देखिए, उसके बाद मैं ट्रिक बताऊंगा, तब उसका आपको आनंद नहीं लगेगा. ठीक है ना? देखिए, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो देखने में बहुत कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, लेकिन उनका तरीका ट्रिक अगर मालूम है तो आप देखते ही बता सकते हैं. ठीक है ना? तो देखिए, इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे, इस तरह के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, ये हम आपको बता रहे हैं. ठीक है, देखो यहाँ पे भी पी क्यू निकालना है. यहाँ पे आपका दो नोट्स आपके सामने दिखाई दे रहा है. ठीक है, पी और क्यू. तो इस पर वोल्टेज निकालना है, फिर इसका वोल्टेज निकालना है, और फिर दोनों का डिफरेंस निकालना है. बहुत आसानी से फाइंड आउट हो जाएगा क्या इनमें वोल्टेज डिफरेंस कितना है, VPQ कितना है. पहले VP निकालना, फिर VQ निकालना है. मान लीजिए कि यहाँ वोल्टेज कितना है VP, यहाँ मान लीजिए वोल्टेज कितना है VQ. तो इस VP और VQ को फाइंड आउट कर लें, आपको डिफरेंस निकल जाएगा बस. तो पहले हमको VP निकालना है, उसके बाद आपको क्या निकालना है, VQ निकालना है. तो अब देखिए VQ VP कैसे निकल रहा है. ठीक है, तो यहाँ इसको निकालने के लिए आप लिखेंगे Applying KCL at point P. ठीक है, देखिए इन सारे प्रश्नों को हम थ्योरम का भी यूज करके सॉल्व करेंगे, बट अभी नहीं, जब थ्योरम हम बता देंगे तब. ठीक है, इस पॉइंट पर हम KCL अप्लाई कर रहे हैं. देखिए कैसे होगा, यहाँ करंट क्या आ रहा है, I1 आ रहा है. यहाँ पे करंट कितना जा रहा है, 2 एम्पियर जा रहा है. यहाँ पे मान लीजिए करंट ये I1 है, यहाँ I2 है, यहाँ I3 है, तो यहाँ मान लीजिए I4 है. ठीक है, तो करंट यहाँ पे, अब देखिए इस पॉइंट पे KCL लगा रहे हैं तो समेशन ऑफ इनकमिंग करंट इक्वल टू समेशन ऑफ आउटगोइंग करंट. दो करंट जा रहे हैं, एक करंट आ रहा है, तो इनकमिंग करंट इक्वल टू आउटगोइंग करंट. सॉरी, तो इस तरह से आप जो है आसानी से इक्वेशन तो लिख सकते हैं, I1 इज इक्वल टू 2 प्लस I4. तो यहाँ I1 की वैल्यू रखिए, यहाँ पर कितना वोल्ट है, 10 वोल्ट. यहाँ पर VP पोटेंशियल है, करंट फ्लो हो रही है, इसका मतलब हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज की ओर करंट क्या हो रही है, फ्लो हो रही है. तो हाई वोल्टेज कितना है 10 और लो वोल्टेज कितना है P. तो यहाँ VP यानी कि यहाँ पर लिख सकते हैं क्या, 10 माइनस VP अपान कितना ओम, 2 ओम. यहाँ पर 2 प्लस I4 यानी वोल्टेज यहाँ VP है, यहाँ पोटेंशियल 0 है. तो यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस VP माइनस 0 यानी कि VP अपन RR कितना है, 8. तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, VP अपन 8. यह इक्वेशन एक मिल गया. यहाँ से हम क्या, आप क्या निकाल लेंगे, VP निकाल लेंगे. बहुत आसानी से निकल जाएगा, देखिए कैसे निकलता. 10 माइनस VP अपन 2 इज इक्वल टू 16 अपन VP. क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं, 18 माइनस 8 VP 32 प्लस 2 VP. तो यहाँ पे 18 माइनस 32 2 VP प्लस 8 VP. ईजिली यू कैन राइट, ये कितना होगा, 10 VP इज इक्वल टू, ये कितना होगा आपका, 32 इसमें से आप क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो कितना होगा, 8 हो जाएगा, 4 हो जाएगा. ठीक है, तो यहाँ से अगर आप VP निकालेंगे तो आपको क्या मिलेगा बताइए, 18 अपॉन 10 हो जाएगा. 18 अपॉन 10 मतलब 4.8 वोल्ट. ठीक है, तो यहाँ से आपको क्या मिल गया, VP मिल गया. ठीक है, VP की वैल्यू कितनी मिल गई, 4.8 वोल्ट. अब इसी प्रकार से हम क्या निकालेंगे, VQ निकालेंगे. क्या निकालेंगे, अब हम VQ निकालेंगे, देखिए कैसे निकलता है. ठीक है, देखिए बच्चों, यहाँ से VP आपको निकल गया,
अब देखिए वी क्यू कैसे निकलता है। ठीक है, तो इसको हम आपके सामने इसको रिमूव करते हैं। हम वी पी की वैल्यू याद रखे रहिएगा कि यहाँ पे वी पी की वैल्यू कितनी आई है, 4.8 वोल्ट आई है। कितनी आई है, 4.8 वोल्ट आई है। अब वी क्यू की वैल्यू अब हम निकालेंगे, देखिए सेम इसी तरह से। ठीक है, अब यहाँ पे अप्लाइंग केसीएल एट पी नहीं, अप्लाइंग केसीएल एट क्यू। अब क्यू पर केसीएल को अप्लाई करेंगे तब आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे इनकमिंग करेंट, समेशन ऑफ इनकमिंग करेंट। आई टू भी यहाँ जा रहा है, टू भी यहीं आ रहा है, तो टू प्लस आई टू हो जाएगा इज इक्वल टू आई थ्री। यहाँ से मूव कर रहा है, निकल रहा है, तो टू प्लस आई टू इक्वल टू क्या होगा, आई थ्री हो जाएगा। समेशन ऑफ इनकमिंग करेंट इक्वल टू समेशन ऑफ आउट गोइंग करेंट। यहाँ पे टू प्लस अब आई टू की वैल्यू पुट करेंगे, आई टू 10 वोल्ट से, यहाँ हाई वोल्टेज है यहाँ लो वोल्टेज है, यानी कि 10 माइनस वी क्यू अपन रेसिस्टेंस कितना है, 4 है। आई थ्री यहाँ पे हाई है, यहाँ पे लो है, तो यहाँ वी क्यू माइनस 0/6, यानी कि वी क्यू अपन क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब यहाँ से आप क्या निकालेंगे, वी क्यू निकाल लेंगे। ठीक है, देखिए कैसे, 8+10 माइनस वी क्यू अपान 4 इज इक्वल टू वी क्यू अपान 6। इसको काट के थोड़ा हल्का कर लीजिए, 2 2 4 2 3 6, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 18 माइनस वी क्यू अपान 2 इज इक्वल टू वी क्यू अपान 3। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 54 माइनस 3 वी क्यू इज इक्वल टू 2 वी क्यू। ठीक है, तो इसको उधर आप ट्रांसफ़र कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा, 5 VQ इज इक्वल टू 54, तो VQ इज इक्वल टू 54/5, यानी कि 5 10 50 या 5 8 40, यानी कि VQ इज इक्वल टू क्या आया, 10.8 आया। ठीक है, कितना आया यहाँ पे, VQ कितना आया, 10.8 आया। तो बहुत आसानी से VQ बराबर क्या होगा, VP माइनस VQ, यानी कि 4.8 माइनस 10.8, तो कितना आया, -6 वोल्ट। तो ऑप्शन में आपको -6 वोल्ट मिल रहा है। ठीक है, बहुत आसानी से आप इस तरह से आप लगा सकते हैं, लेकिन अगर आपको तुरंत लगाना हो तो आप कैसे लगाएंगे, देख लीजिए उसको ट्रिक मैं बता रहा हूँ, जिसका आपको इंतज़ार था। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, 6 4 ओम है, यहाँ पे कितना है, 2 ओम है। जाहिर सी बात है यहाँ वोल्टेज ड्रॉप ज़्यादा होगा, यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप कम होगा। तो जब कम में से अधिक वोल्टेज ड्रॉप को आप सब्ट्रैक्ट करेंगे, घटाएंगे, तो जाहिर सी बात है वैल्यू आपको निगेटिव में ही मिलेगी। और जिसमें निगेटिव में एक ही वैल्यू दिया है, इसका मतलब वही क्या होगा, सही हो जाएगा। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है ऑप्शन में 2 निगेटिव दे देते हैं, तो वहाँ कॉम्प्लिकेशन हो जाता है, वहाँ बिना सॉल्व किए आप नहीं जान सकते कि रियल में आंसर क्या होगा। ठीक है ना, लेकिन यहाँ आप सीधे सीधे मालूम कर सकते हैं कि क्या हो सकता है। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन हो बिना सॉल्व किए आप ट्रिक यूज कर सकते हैं। यहाँ लो वोल्टेज होगा, यहाँ हाई होगा, क्योंकि रेसिस्टेंस यहाँ हाई है यहाँ लो है, सब्ट्रैक्ट किए वैल्यू नेगेटिव में आई, आंसर क्या होगा, सही हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार आप ट्रिक का चाहे तो यूज़ करें, चाहे तो विस्तृत मेथड का यूज करें, चाहे जैसे भी यूज करें, इस तरह के प्रॉब्लम आपको सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए बच्चों, अब उसी तरह का क्वेश्चन ये भी है, लेकिन इसके पहले वाला जो क्वेश्चन था वो गेट 2003 में शायद, मैं आपको बता देता हूँ, गेट 2003 में पूछा था। ये जेबी गुप्ता के पुराने वाले बुक में पेज नंबर 38 पर यह क्वेश्चन नंबर आपका था, पेज नंबर 38 पर देख लीजिए, एक क्वेश्चन नंबर 131 था, 131। लेकिन ये जो है नए वाले बुक में है, ये IES के एग्जाम 2016 में पूछा है, सेम ऐसे ही है। देखिए इसमें 2 नेगेटिव टर्म दे दिए हैं, इसलिए वो वाला ट्रिक यहाँ आप यूज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, उसको थोड़ा क्या कर दिया गया, इसमें चेंज कर दिया गया है। जब 2 नेगेटिव टर्म हैं तब तो आपको सोच समझ के इसका आंसर देना पड़ेगा। ठीक है, देखिए वैल्यू तो निगेटिव में आएगी, ये तो फिक्स है, पूछ क्या रहा पहले ये तो बता दें आपको, यही सेम चीज़ यही पूछ रहा है, वी ए बी कितना होगा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वी ए बी इन दिस क्वेश्चन इन दिस सर्किट। तो यहाँ भी हाई वोल्टेज हाई रेसिस्टेंस है, वोल्टेज ड्रॉप ज़्यादा होगा, या लो रेसिस्टेंस है, वोल्टेज ड्रॉप कम होगा, तो जाहिर सी बात है कि वैल्यू निगेटिव में ही आएगी, क्योंकि एक लो होगा ये हाई होगा। तो निगेटिव में अब 2 वैल्यू हैं, अब उनमें से कौन सा होगा, अंदाज़ा लगा देंगे तो गलती होने की भी संभावना है, इसीलिए
आपको यहाँ दो ऑप्शन तो कट गए, अब इन दोनों ऑप्शन के लिए आपको सॉल्व करना ही पड़ेगा हर हाल में, ठीक है ना। अब आप देखिए इसको सॉल्व आप कैसे करते हैं, उसी तरीके से जैसे मैंने पहले बताया था। दो मिनट का टाइम लीजिए, आप खुद सॉल्व करिए, फिर नहीं लगेगा तो फिर हमारा सोल्यूशन तो ही है आपके सामने। चलिए ठीक, देखिए इसको पॉइंट ए लीजिए, इसको पॉइंट बी मिल लीजिए, ठीक है। इधर लिखिए अप्लाइंग केसीएल पॉइंट ए, अप्लाइंग केसीएल एट पॉइंट ए। अब पॉइंट ए पर केसीएल को क्या करिए, यहाँ पे अप्लाई करिए, देखिए क्या मिलता है आपको। इनकमिंग करेंट, समेशन ऑफ इनकमिंग करेंट इज इक्वल टू समेशन ऑफ आउटगोइंग करेंट, आई वन इज इक्वल टू वन प्लस आई थ्री, इतना तो आप लिख ही सकते हैं, हो भी सकता है आसानी से। अब इस आई वन की वैल्यू लिख दीजिए, यहाँ 5 वोल्ट यहाँ अप्लाई है तो 5 से करेंट फ्लो हो रही है लो की ओर, तो 5 पहले होगा, 5 माइनस वी ए अपन कितना होगा 1 इज इक्वल टू 1 प्लस आई थ्री की वैल्यू पुट कर दीजिए, क्या होगा वी ए अपन 4 हो जाएगा। कैसे होगा मैंने बताया ही है, हाई पोटेंशियल लो पोटेंशियल, इसमें जो जीरो है ये अर्थ होता है, ये जीरो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वी ए माइनस जीरो अपन 4 हो जाएगा, इसलिए इक्वेशन नंबर क्या हो गया, फर्स्ट हो गया। अब यहाँ से अब वैल्यू निकाल लीजिए, यहाँ पे क्या हो गया 5 माइनस वी ए इज इक्वल टू 4 प्लस वी ए अपन कितना होगा 4, क्या हो जाएगा ये 4 वी ए इज इक्वल टू 4 प्लस वी ए। यहाँ पे क्या हुआ, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हुआ है, 4 का मल्टीप्लाई ऊपर हुआ तो 20 माइनस 4 वी ए हो गया, 1 का हुआ तो वहाँ उतना हो गया, ठीक है। यहाँ 20 माइनस 4 यहाँ हो जाएगा वी ए, अब प्लस 4 वी ए यहाँ हो जाएगा, तो यहाँ पे 5 वी ए होगा, 5 वी ए होगा। अब यहाँ से वी ए की वैल्यू निकाल लेंगे, 60 अपॉन 5 होगा, ठीक है। अब यहाँ पे 60 अपॉन 5 से वैल्यू यहाँ निकालेंगे तो कितना होगा, 3.2 वोल्ट होगा कि नहीं होगा बताइए। केवल जो है हमने केसीएल यूज किया, फिर फार्मूला यूज किया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से हमने वी ए की वैल्यू निकाल दिया, जो यहाँ पे मिलेगा कितना आएगा, 3.2 वोल्ट, इतना हो गया। अब यही सेम इक्वेशन इस पर अप्लाई करेंगे, ठीक है। अप्लाइंग केसीएल एट पॉइंट बी, आप लिख सकते हैं क्या यहाँ पे आपको क्या मिल गया, हम इक्वेशन को यहाँ से रिमूव कर सकते हैं या ऑप्शन को रिमूव कर सकते हैं सॉल्व करने में, तो यहाँ पे लिख देंगे आप क्या, छोटा हम यूज करते हैं, अप्लाइंग केसीएल एट पॉइंट, अप्लाइंग केसीएल एट पॉइंट ए हो गया बी, तो बी पर आप जब अप्लाई करेंगे तो देखिए क्या इक्वेशन लिखेंगे आप। इनकमिंग करेंट, ए भी इनकमिंग करेंट है, ए भी इनकमिंग, ए आउटगोइंग करेंट, समेशन ऑफ इनकमिंग इनकमिंग करेंट यानी कि आई टू प्लस वन, समेशन ऑफ आउटगोइंग यानी कि इज इक्वल टू आई फोर, आई टू की वैल्यू पुट करिए 5 माइनस वी बी होगा कि नहीं, हाई वोल्टेज टू लो वोल्टेज अपॉन रेसिस्टेंस 3 हो जाएगा, क्योंकि हमने बताया था कि जो वोल्टेज होता है वो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, तो पोटेंशियल डिफरेंस आपको मिल गया तो रेसिस्टेंस को डिवाइड करेंगे तभी करंट आपको मिलेगा, तो दोनों के बीच वोल्टेज अपॉन रेसिस्टेंस तो करंट फ्लोइंग मिल जाएगा आपको, फिर यहाँ 1.4 हो ही रहा है, इसमें कुछ लगाना नहीं है। आई फोर देखिए हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज की ओर, रेसिस्टेंस कितना है 3, तो हम वी बी माने 0 ना लिख के डायरेक्ट क्या लिख देंगे, 3 लिख देंगे। अब यहाँ से आपको वी बी की वैल्यू आप आसानी से क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं, कैसे देखिए, तो यहाँ पर 5 माइनस वी बी अपान 3 माइनस वी बी अपान 3 इज इक्वल टू माइनस 1, दोनों सेम है, माइनस वी बी अपान 3, 3 को उधर बोल दीजिए क्या हो जाएगा, माइनस 3 हो जाएगा, तो फिर यहाँ माइनस वी बी आपको हो मिलेगा क्या, माइनस 2 वी बी, माइनस 3 है तो क्या हो जाएगा, माइनस 5, तो क्या हो जाएगा, माइनस 1, माइनस से माइनस कैंसिल, तो वी बी बराबर क्या मिला, 8 बाई 2, यहाँ पे क्या होगा 4 वोल्ट।
इस प्रकार से आपका VB मिल गया 4 वोल्ट और VA मिल गया 3.2 वोल्ट। तो VAB अगर आपको निकालना है तो क्या होगा, VA माइनस VB। मैंने बोला था पहले कि वैल्यू निगेटिव ही आएगी, तो ये तो कन्फर्म हो गया निगेटिव ही आएगी। तो देखिए VA 3.2 वोल्ट, यहाँ पे 3.2 वोल्ट यूज किया और फिर माइनस VB कितना आपका है 4 वोल्ट, तो यहाँ पे आपने 4 वोल्ट यूज किया तो कितना आंसर आया 0.8 वोल्ट। देखिए ऑप्शन में कौन सा सही हो रहा, तो यहाँ पे माइनस 0.8 वोल्ट, ये आपका माइनस 0.8 वोल्ट आपका ऑप्शन में होगा, सही होगा। ठीक है ना, इस तरह से अपने IES 2016 का ये लेटेस्ट क्वेश्चन था जो आपके सामने हमने प्रोड्यूस किया, और हमको आशा है कि आपको समझ में आया होगा। समझ में आया होगा तो आप मेरे वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके, देखिए आपके सामने मैंने एक क्वेश्चन रख दिया है, यहाँ पे आई फ्लोइंग करंट आई जो है आपको निकालना है, आपको खुद निकालना है। समझ गए प्रवीण त्रिपाठी जी, आपको निकालना है इसको, मैं देख रहा हूँ आपको, यहाँ से आपको इस सवाल को सॉल्व करना है। ठीक है, और वैल्यू निकाल के हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। ठीक है, तो मैं अब अगले सवाल पे चल रहा हूँ। देखिए ये क्वेश्चन है, ये आपका IES 2011 में पूछा गया है। देखिए सब KCL और KBL से रिलेटेड क्वेश्चन है, इसलिए मैं यहाँ बता रहा हूँ। ये KBL और KCL जो है हाई स्कूल, ITI, डिप्लोमा, BTEC, BSc सब में है, इसलिए सारे बच्चे इससे एडवांटेज लें, इसलिए पहले इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन मैं सॉल्व करवा रहा हूँ। अब ये नहीं कि एक क्वेश्चन गेट में पूछ दिया, IES में पूछ दिया, हमसे हमारे में नहीं पूछेगा, बहुत कठिन है, छोड़ दें, स्किप कर दें, चले जाएं, ऐसा कभी मत सोचिए। आप थोड़ा सा अपने लेवल से हाई लेवल का प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे तो आपके लेवल का प्रॉब्लम बहुत ही क्या हो जाएगा, ईजी हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम देखते हैं यहाँ पे ये क्वेश्चन दिया हुआ है और इसमें पूछ रहा है, कह रहा है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। ठीक है, अगर दो यहाँ पे आपके नोट्स हैं तो आप KCL यूज करके आप बताइए, या नोडल एनालिसिस का यूज करके आप बताइए कौन से ऑप्शन क्या होंगे सही होंगे। तो यहाँ पे देखिए, जब दो नोट्स के बीच में एक वोल्टेज सोर्स हो तो वहाँ सुपर नोट्स प्रॉब्लम है, सुपर नोट्स यूज करते हैं, सुपर नोट्स एनालिसिस यूज करते हैं। ठीक है ना, कब सुपर नोड यूज करते हैं, जब दो नोट्स के बीच में एक वोल्टेज सोर्स आ जाए। ठीक है, इससे रिलेटेड प्रॉब्लम को भी हम सॉल्व करेंगे, कैसे हम V1 V2 की वैल्यू निकालते हैं ये भी हम बताएंगे आपको। तो यहाँ ये यूज करिए सुपर नोड प्रॉब्लम, तो यहाँ क्या है, इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट, यहाँ भी करंट आउटगोइंग है, यहाँ भी करंट आउटगोइंग है, यहाँ भी करंट आउटगोइंग है, यहाँ से करंट क्या है, इनकमिंग है, तो इनकमिंग करंट इज इक्वल टू क्या होगा, आउटगोइंग करंट V2/4+10। ठीक है ना, बहुत ही आसान है। अब 10 इधर आया अगर तो क्या हो जाएगा, 4-10 इज इक्वल टू V1/2+V2/4, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका बताइए, -6 V1/2+V2/4। इस प्रकार से आपको देखिए कौन सा इसमें ऑप्शन आपसे मिल जुल रहा है, वही ऑप्शन आपका सही होगा, ऑप्शन नंबर एक क्या हो गया, सही हो गया। इस तरह से बहुत आसानी से सुपर नोड एनालिसिस यूज करके अब इस तरह के कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम को बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए कि अगर कह दिया जाए, इस तरह का क्वेश्चन आपके सामने दे दिया जाए और कहा है कि V1 और V2 का भी मान निकालिए, तो आप V1 और V2 का मान कैसे निकालेंगे। ठीक है, इसका तरीका मैं आपको बताऊंगा, देखिए कैसे आप निकालेंगे। इसमें आप जो है KBL अप्लाई कर देंगे, क्या अप्लाई कर देंगे, KBL। यहाँ V2 है तो यहाँ प्लस माइनस V2 पूरा है, ये V1 है तो प्लस माइनस V1 पूरा है। ठीक है, आप अगर ऐसे KBL लगा रहे हैं तो प्लस से होके जा रहे हैं ना, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, माइनस प्लस ये भी पॉजिटिव हो जाएगा, लेकिन जब निकल रहे हैं तो निगेटिव से निकल रहे हैं, तो ये V2 क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, 0, यानी कि V1+10 इज इक्वल टू क्या हो गया, V2। तो इस प्रकार से आपका एक इक्वेशन ये मिल गया, एक इक्वेशन ये मिल गया, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो आपको V1 और V2 का भी मान आसानी से क्या हो जाएगा, फाइंड आउट हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से ये प्रॉब्लम सॉल्व हुआ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू, धन्यवाद। देखिए ये जो क्वेश्चन लिखा गया है, JB गुप्ता का 174 नंबर का क्वेश्चन है, लेटेस्ट वर्जन बुक का आप देखेंगे तो, देखिए 6 एडिशन का। देखिए आप सोच रहे होंगे क्यों सर सवाल आप JB गुप्ता को जब सॉल्व कर रहे हैं तो इधर से उधर उधर का इधर क्यों कर रहे हैं।
तो मैं लेवल देख रहा हूँ ना, लेवल जो है पहले लो से हाई की ओर होना चाहिए, ठीक है। सोच आप जो है छोटी रखिए, लेकिन काम हमेशा बड़ा करिए। सोच हमेशा बड़ा रखिए, लेकिन शुरू हमेशा छोटे से करना चाहिए, समझ रहे हैं। तो वही चीज़ मैं यहाँ कर रहा हूँ। तभी हम चोल की KBL और KCL के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, KBL और KCL के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे अब यहाँ इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व करेंगे, देखिए कैसे, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन जो आपके सामने दिख रहा है, इस क्वेश्चन में फ्लोइंग करंट I की वैल्यू निकालना है, इस 5 ओम रेसिस्टेंस में कितना करंट फ्लो हो रहा है ये हमें यहाँ पे निकालना है, ठीक है। तो हम कैसे निकालेंगे यहाँ डिस्कस करने हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ 6 वोल्ट की सप्लाई दी है, यहाँ 6 वोल्ट जो है कनेक्ट किया गया है इस सर्किट में, यही 6 वोल्ट करें, 10 वोल्ट जो है कनेक्ट किया गया है, 10 वोल्ट यहाँ अप्लाई हो जाएगा, यहाँ पे और यहाँ पे कितना अप्लाई हो जाएगा, 10 वोल्ट अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। 8 एम्पियर करंट आ रही है, जिसमें अगर I एम्पियर फ्लो हो रही है तो इसमें कितना होगा, 8 माइनस I एम्पियर करंट फ्लो होगा, तो मतलब यहाँ पे क्या होगा, प्लस होगा, यहाँ पे क्या होगा, माइनस होगा, क्योंकि I पॉजिटिव से करंट निगेटिव की ओर जाती है। अब आप यहाँ पे क्या यूज कर सकते हैं, बहुत ईजिली आप KVL यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे, ये मान लीजिए आपका ये लूप 1 हो गया, ये सेकेंड हो गया, ये थर्ड हो गया, तो यहाँ लिखेंगे अप्लाइंग KBL इन लूप 2, मतलब दूसरे लूप में हम KBL क्या करेंगे, यूज करेंगे इस लूप में। तो अब हम KBL यूज करने जा रहे हैं, आप डायरेक्शन देख लीजिए, डायरेक्शन या तो हम ऐसे ले लें, या तो ऐसे ले लें, चाहे ऐसे ले लें, ठीक है। तो यहाँ पे हम यह डायरेक्शन यूज कर लिए हैं, तो 10 वोल्ट सप्लाई यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10, यहाँ पॉजिटिव है, और फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस 8 माइनस आई, फिर क्या होगा यहाँ पे, प्लस माइनस, माइनस 5 I इज इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। मैंने डायरेक्शन ऐसे लिया है KBL का, क्योंकि करंट यहाँ इंटर करे तो प्लस हो जाएगा नेगेटिव। KBL की मैं वीडियो मैंने बताया है आपको, अगर नहीं मालूम है तो आप KBL का वीडियो सीरीज देख लीजिए, वहाँ क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे जब IR ड्रॉप का साइन लेते हैं तो उसमें करंट फ्लोइंग डायरेक्शन जो है क्या करते हैं, इसको हम कंसीडर करते हैं किधर से किधर करंट फ्लो हो रहा है, किधर जिधर करंट फ्लो होता है प्लस, जिधर से इंटर करता है वो प्लस, जिधर से करंट निकलता है आउटगोइंग होती है वहाँ पे क्या होता है, माइनस होता है। तो यहाँ पे हमने प्लस किया, यहाँ पे माइनस किया, लेकिन हमारा मूवमेंट इसके अपोजिट है, तो अगर हम लो से हाई और जाएंगे तो हमने साइन क्या रखेंगे, प्लस रखेंगे। तो यहाँ लो से हाई तो नेगेटिव रखा, ठीक है। यहाँ पे देखिए लो से हाई, तो यहाँ पे हमने क्या रखा, प्लस रखा। अब यहाँ से आई की वैल्यू इजीली फाइंड आउट हो जाएगी, प्लस 8 माइनस आई माइनस 5 I इज इक्वल टू 0, 18 माइनस 6 I इज इक्वल टू 0, 18 इज इक्वल टू 6 I, तो यहाँ I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 8/6, तो क्या हो जाएगा, 3 एम्पियर। इस प्रकार से बहुत आसानी से 3 एम्पियर करंट इस ब्रांच में आपको क्या होगी, फ्लो होगी, और ये आसानी से आपको क्या हो जाएगी, मिल जाएगी, ठीक है ना। तो इस प्रकार से प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। अब हम अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमें ज़रूर बताइएगा। यहाँ आप कभी भूल के भी बिना इसमें 8 माइनस आई लिखे, बिना 8 माइनस आई लिखे KBL यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि इसमें दो सोर्स हैं और दोनों सोर्स अपना करंट फ्लो कर रहे हैं इसमें, इसलिए पर्टिकुलर करंट कितना होगा ये इसमें जो है रिप्रेजेंट करना क्या है, बहुत ही ज़रूरी है, नेसेसरी है। जब ये हो जाएगा तब आप KBL यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैं बताने जा रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको ज़रूर देखिए। अब देखिए अगला क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। ओके, हाँ बच्चों, देखिए क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे लिखा गया है, इसमें इस ब्रांच में जो करंट फ्लो हो रही है उसको आपको क्या करना, डिटरमाइन करना है, फाइंड आउट करना, इस आई की वैल्यू को फाइंड आउट करना, ऑप्शन आपके सामने दिया गया। बहुत ही प्यारा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आप इसको ज़रूर देखिए, आप इसको लगाने का प्रयास भी करिए, ठीक है। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे एक वोल्टेज सोर्स और रेसिस्टेंस आपस में सीरीज में कनेक्ट है, यहाँ पे वोल्टेज सोर्स और 1 ओम का रेसिस्टेंस सीरीज में कनेक्ट है, तो यहाँ पे इन दोनों को सीरीज में दोनों कनेक्ट हैं, तो हम इसको करंट सोर्स में कन्वर्ट करना चाहेंगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ करंट सोर्स ऑलरेडी दिया हुआ है, यहाँ 70/1 यहाँ भी इतना ही आएगा, और यहाँ जब इसको डिवाइड करेंगे तो 70 मतलब तीनों सेम आएगा, तो हम इसको किस में कर दिए, करंट सोर्स में क्या कर दिया, कन्वर्ट किया।
तो यहाँ पे जब करंट सोर्स में आप कन्वर्ट करेंगे तो हम इसको छोटा सर्किट बनाते हैं, तब यहाँ पे आपको मिलेगा क्या 70 एम्पियर करंट। लेकिन जो रेसिस्टेंस इसके सीरीज में था, आप किस में आ जाएगा पैरेलल में 2 ओम। फिर ये 70 एम्पियर तो ऑलरेडी हैज बीन गिवन हियर यहाँ पे। फिर ये 4 ओम का रेसिस्टेंस जिसमें करंट की वैल्यू ही आपको निकालना है, ठीक है। इसको जब कन्वर्ट करेंगे तो ये भी 70 एम्पियर हो जाएगा, ठीक है। कितना एम्पियर? 70 एम्पियर। अब जो ये रेसिस्टेंस है जो सीरीज में था, अब किस में आ जाएगा यहाँ पे पैरेलल में आ जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ 70 और 73 × 70 सोर्स जो है आपस में कनेक्टेड है, बीच में कहीं रेसिस्टेंस नहीं कनेक्ट है, तो आप इन तीनों को जोड़कर एक जगह लिख सकते हैं। तो कितना होगा? होगा 210 एम्पियर। कितना होगा? 210 एम्पियर। सारे रेसिस्टेंस आपस में क्या है? पैरेलली कनेक्ट है। 2, 4 और कितना है? 1। अब 210 एम्पियर को 3 में ब्रांच में क्या करना है? डिवाइड करना है। फार्मूला आप याद करेंगे तो फार्मूला भूल सकता है, इसलिए बिना फार्मूला यूज किए आप सॉल्व करने का प्रयास करिए। बिना फार्मूला यूज किए आप सॉल्व करेंगे तो भूलने की संभावना नहीं होगी, ठीक है। तो कैसे आप निकालेंगे? देखिए, जो वोल्टेज ड्रॉप इनके क्रॉस होगा वही वोल्टेज ड्रॉप इसके क्रॉस, वही इसके क्रॉस, वही इसके क्रॉस, ठीक है ना। तो मतलब क्या है कि मान लीजिए कि अगर इसमें अगर आई एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है तो कितना वोल्टेज ड्रॉप होगा? 4 × I। ये टोटल वोल्टेज ड्रॉप को क्या होगा? इक्वल होगा, क्योंकि सब पैरेलली कनेक्ट हैं। तो आपका I × R होता है, तो टोटल एम्पियर और टोटल इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस रख देंगे तो टोटल वोल्टेज ड्रॉप निकल जाएगा ना। इनका टोटल इक्विवेलेंट कितना निकलेगा? 1/2 + 1/4 + 1/1, ठीक है। यही ना होगा टोटल इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस इनका, निकाल के देखिए यही होगा। तो यहाँ पे अब क्या होगा? 2 4 कैल्शियम 4 हो जाएगा, 2 2 × 4, 4 1 × 1 और 1 4, यहाँ पे क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। अब ये 4 ऊपर चला जाएगा बेटा, 4I। अब ये 4 ऊपर चला जाएगा तो कितना होगा? 4/2, कितना हुआ? 4 2 6 1 7, 7 3 21, कितना हुआ? 30। ये 4 से ये 4 कैंसिल हो गया, तो I बराबर क्या आ गया आपका? 30 एम्पियर। तो इस प्रकार से आई का जो करंट है 30 एम्पियर, ये क्या हो गया? सही हो गया। तो यहाँ पे 30 एम्पियर आया। कैसे आया मैं एक बार और बता देता हूँ आपको कि यहाँ पे मैंने क्या किया, इसको करंट सोर्स में कन्वर्ट किया, इसको करंट सोर्स में कन्वर्ट किया, जो भी रेसिस्टेंस था उसको पैरेलली कनेक्ट किया। यहाँ पे आप अच्छी तरीके से देख सकते हैं, सारे करंट सोर्स को जोड़ करके यहाँ एक जगह लिख दिया और सारे रेसिस्टेंस जो पैरेलल कनेक्ट था पैरेलल हमने लिख दिया। अब इस ब्रांच में चूंकि करंट निकालना था, इस ब्रांच का वोल्टेज ड्रॉप लिख दिया 4 × I, और यही वोल्टेज ड्रॉप इसके भी एक क्रॉस होगा, यही वोल्टेज ड्रॉप इसके भी एक क्रॉस होगा, यही वोल्टेज ड्रॉप इस टर्मिनल के भी एक क्रॉस होगा, इनपुट के भी एक क्रॉस होगा। तो इनपुट में करंट है लेकिन इनपुट का रेसिस्टेंस नहीं मालूम है, तो हमने इसका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकाल दिया इसके क्रॉस, ठीक है। और उस रेसिस्टेंस का इस करंट में मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ पे, तो हमें टोटल वोल्टेज ड्रॉप, इनपुट वोल्टेज ड्रॉप हमको मिल गया। और यहाँ से हम आई का करंट इजीली क्या किया? फाइंड आउट कर लिया, ठीक है ना। अब समझ में आएगा तो बहुत अच्छी बात, नहीं आएगा तो हमें ज़रूर बताइएगा, हम फिर से बताने का कोशिश करेंगे। दिखाई दे रहा नहीं? ओके, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, VA - VB दिया ऑलरेडी 6 वोल्ट, ठीक है। तो आपको VC - VD पूछ रहा है क्या होगा। ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, VC - VD। देख, अरे बाप रे बाप, इतना बड़ा सवाल नहीं लगेगा, छोड़ो, हटाओ, स्किप करो, बहुत ही आसान है। आप विश्वास मानिएगा, हम इस सीरीज़ को, मतलब इस वीडियो को आप देखिएगा, बहुत ही आसानी से लगेगा, बहुत ही कम समय में लगेगा। देखिए कैसे लग रहा है, आप देखने का प्रयास करिए, ठीक है। अगर मैं लगाने के लिए तैयार हूँ तो आप देख तो सकते हैं ना। तो आप इसको देखिए कैसे जो है आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। तो यहाँ पे VA - VB दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 6 वोल्ट दिया हुआ है, तो आप जान ही रहे हैं। अब VA - VB के बीच रेसिस्टेंस कितना है? 2 ओम। तो ही हम लगा देते हैं, तो इस ब्रांच में जो करंट फ्लो होगी मान लीजिए I, वह कितनी है? 6/2 है, यानी कि कितनी है? 3 एम्पियर है, ठीक है ना। कितना एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है बाबू? 3 एम्पियर करंट क्या हो रहा है? फ्लो हो रहा है इसमें। कितना एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है? 3 एम्पियर करंट क्या हो रहा है इसमें? फ्लोरा। ये आपके सामने ही आपने इसको क्या किया? सॉल्व कर दिया, ठीक है। अब देखिए आप,
अब VC माइनस BD कैसे निकलेगी? VC माइनस BD निकालने के लिए इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है उसका मान आपको क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। जब आप इसका मान निकाल लेंगे तभी उस करंट का इस रेसिस्टेंस में मल्टीप्लाई करेंगे तो VC माइनस BD निकलेगा, यानी कि आपको I5 निकालना होगा। देखिए अब यहाँ से 2 एम्पियर I5 56 इस जंक्शन पे मिल रहा है ना, तो अप्लाइंग KCL एट पॉइंट F, इस पॉइंट F पर हम क्या रख देंगे, KCL अप्लाई करेंगे। तो यहाँ लिख दीजिए क्या, अप्लाइंग, देखिए आपको निकालना क्या है, ये VC माइनस BD, वैल्यू ऑफ VC माइनस BD विल बी क्या होगा, इनमें से बताना है, ठीक है, इनमें डिफरेंस क्या होगा ये आपको बताना है। तो यहाँ पे आप क्या यूज कर दिए, अप्लाइंग KCL एट पॉइंट F, आप पॉइंट F पर क्या अप्लाई कर देंगे, KCL अप्लाई कर देंगे, ठीक है। जब KCL अप्लाई करेंगे तो आपको देख रहे हैं कि 2 एम्पियर भी 5 एम्पियर सी सब जो है जंक्शन के पास आ रहे हैं, तो सबका डायरेक्शन एक हो जाएगा, चाहे पॉजिटिव लीजिए चाहे निगेटिव लीजिए, जंक्शन के पास आते हैं वो पॉजिटिव ही होते हैं। तो यहाँ पे I5 प्लस I6 प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो हमें निकालना कितना, I5 ना, तो I5 बराबर क्या हो जाएगा, माइनस I6 माइनस 2। अब यहाँ I6 देखिए किसके किसके बराबर है, ये I6 यहाँ से जो आ रहा है उसके, यहाँ से जो आ रहा है इसके, यहाँ से जो आ रहा है, यानी तीनों के करंट के समीशन है I6। तो तीनों करंट क्या है, ये मान लिया I3, ये मान लीजिए I4, ये मान लीजिए I2। तो I2 I4 I3 को ऐड करिए तो क्या होगा, माइनस I2 I4 I3 कुछ भी मान लीजिए, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो अब यहाँ पे I2 I4 I3 मिल गया, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखिए कि I3 और I4 किसका समेशन है, I1 का, तो 3 और 4 को आप क्या लिख दीजिए, यहाँ पे I1 लिख दीजिए, यहाँ पे I1 हो गया I2 प्लस I1, यहाँ पे I2, I4 प्लस I3, I4 प्लस I3 बराबर क्या लिख दिए, I1 लिख दिए। अब I1 प्लस I2 इसी के ना बराबर होगा, तो यहाँ पे आप पुट कर दीजिए, माइनस 3 माइनस 2 कितना आया, माइनस 5 एम्पियर। तो इस तरह से I5 मिल गया, मतलब यहाँ मिल गया कि माइनस 5 एम्पियर करंट इसमें क्या हो रही है, फ्लो हो रही है। तो VC माइनस BD बराबर क्या हो जाएगा, माइनस फाइव इंटू वन, यानी कि क्या हो गया, -5 वोल्ट हो गया। देखिए कितना आसान सवाल है, ये भी जो है आपके IAS में पूछा गया है, देवी गुप्ता का क्वेश्चन है। अब बहुत ही कम समय में जिस तरह से कॉम्प्लिकेशन दिख रहा था उतना है नहीं, बहुत ही कम समय में ये क्वेश्चन क्या हो गया, आपका सॉल्व हो गया, ठीक है, ओके। बच्चे देखिए इस सर्किट आपके सामने है, इसमें I1 करंट की मान निकालना है, इसमें डिपेंडेंट सोर्स लगाया गया है, ये जो है इस I1 की वैल्यू इसमें क्या करना है आपको, डिटरमाइन करना है, ठीक है। यहाँ आप KVL आसानी से लगा सकते हैं, लेकिन इस ब्रांच में फ्लोइंग करंट आपको मालूम करनी पड़ेगी तभी लग पाएगा। आपको नहीं मालूम है, मान लीजिए इसमें X एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है, लगा दीजिए इसमें KCL इनकमिंग करंट, मतलब आप कर सकते हैं मीटिंग करंट, एल्जेब्रिक सम मीटिंग करंट मस्ट बी इक्वल टू 0, एल्जेब्रिक सम इनकमिंग करंट क्या होगा, पॉजिटिव होगा, इनकमिंग करंट क्या होगा, पॉजिटिव होगा, आउटगोइंग करंट क्या होगा, माइनस होगा 0, यानी कि X बराबर क्या आया 6i। तो इस पर कितना एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है, 6 एम्पियर करंट क्या हो रहा है इसमें, फ्लो हो रहा है। अच्छा है आप न लगाएं, सीधे देखिए I एम्पियर करंट इधर जा रहा है, 5i एम्पियर इधर, तो 5i और I के मिलकर कितना हो गया, 6 एम्पियर करंट इसमें क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है। आप लगा लीजिए कि भी अब आसानी से लग जाएगा, ठीक है, ऐसे लगाइए इस डायरेक्शन में, तो 250 यहाँ पे क्या होगा, माइनस यहाँ क्या होगा, -6i × 10 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, 250 - 2.5i माइनस क्या हो जाएगा, 60i इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब यहाँ माइनस माइनस है, दोनों ऐड कर लीजिए, 250 और माइनस ये कितना होगा, 62.5i इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे 62.5i इज इक्वल टू 250, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 250/62.5। अब इसको हल कर लीजिएगा, जितना एम्पियर आवे यही क्या होगा, आई की वैल्यू हो जाएगा। देखिए कितना आसानी से सॉल्व किए, इस ब्रांच में करंट की वैल्यू निकाले, 5 एम्पियर इधर से, 1 आई एम्पियर इधर से, और फिर इसमें हमने क्या कर दिया, किरचॉफ करंट लॉ लगा दिया, तो आपको सर्किट का सॉल्यूशन मिल गया, ठीक है ना। इस प्रकार से ये भी सॉल्व हुआ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ओके। देखिए सामने आपके एक सर्किट लगे, इसको सर्किट को आपको सॉल्व नहीं करना है, इस सर्किट में आपको बताना है कि नोड्स कितने होंगे, जंक्शन कितने होंगे, मेस कितने होंगे, लूप कितने होंगे, इक्वेशन कितने होंगे, आपको खुद जज करके बताना है। चलिए आप थोड़ा जज कर लीजिए, एक मिनट का सारा समय ले लीजिए, उसके बाद तब हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। इसमें कितने नोड्स हैं, कितने जंक्शन हैं,
इसका नाम लिख देते हैं हम ए बी सी डी, ठीक है। देखिए अब हम बताते हैं, तो आपको नोट्स कैसे जानते हैं, इसमें सर्किट एलिमेंट टू आर मोर देन टू, ध्यान दीजिएगा, ये कह रहा है दो या दो से अधिक सर्किट एलिमेंट जब मिले, ठीक है, मतलब दो हो या दो से अधिक हो, मतलब दो भी हो तो चल जाएगा, ठीक है ना। तो अब देखिए यहाँ भी दो सर्किट एलिमेंट मिले हैं, ये और ये, यहाँ पर भी, तो ये भी आपका नोट्स हो गया एक नोट्स, यहाँ पर भी सर्किट एलिमेंट मिले हैं, या तीन सर्किट एलिमेंट मिले हैं, तो दो या दो से अधिक, यानी तीन भी अपने ये भी नोट हो गया आपका, और फिर यहाँ भी दो सर्किट एलिमेंट मिले ये भी नोट हो गया आपका, यहाँ भी तीन सर्किट एलिमेंट मिले हैं तो ये भी नोट हो गया आपका, ठीक है ना। तो इस प्रकार आपने क्या देखा कि इसमें कितने नोड हुए, 1 2 3 4, इसमें नोडों की संख्या कितनी हो गई, 4 हो गई, ठीक है। इसमें जो सर्किट एलिमेंट होते हैं जंक्शन में मोर देन टू होते हैं, कितने होते हैं, मोर देन टू, दो से अधिक सर्किट एलिमेंट जहां से मिले वहां जो है जंक्शन होता है, कितने, मोर देन टू, ठीक है। मतलब यहां पे भी तीन एलिमेंट मिले हैं और यहाँ पर भी तीन एलिमेंट मिले हैं, इसलिए बी और डी यही दो जंक्शन केवल होंगे, कितने जंक्शन होंगे, टू जंक्शन होंगे केवल, अब फोर यहाँ नोड्स होगा। अब देखिए मेस कितने होंगे, ठीक है, मेस को कैसे डिटरमाइन करेंगे, मेस में होता क्या है कि जो अदर किसी लूप में डिवाइड ना हो, मेस क्या होता है, जो अदर किसी लूप में डिवाइड ना हो, तो यहाँ देखिए एक ये मेस हो गया, एक ये मेस हो गया, तो ये कितने मेस हो गए, दो मेस हो गए, हम इसको मेस नहीं कह सकते क्योंकि दो लूपों में क्या है, डिवाइड है, दो मेस हो गया, लेकिन दो मेस हो गए और लूप की बात किया जाए तो कोई भी क्लोज परिपथ, कोई भी क्लोज परिपथ क्या कहलाता है, लूप कहलाता है, तो एक दो ये पूरा हो गया तो लूप कितना हो गया, 3 हो गया, एनी क्लोज सर्किट, या ठीक है ना। अब इक्वेशन कैसे मिलेगा, देखिए हम इक्वेशन जब बनाएंगे तो ये नोट हम इस पर भी अप्लाई कर सकते हैं KCL, इस पर भी अप्लाई कर सकते हैं KCL, इस पर भी अप्लाई कर सकते हैं KCL बाय नोडल, लेकिन इस पर अप्लाई नहीं करते हैं, ठीक है। यानी कि अगर आपके पास चार नोड हैं तो तीन इक्वेशन आपको मिलेगा, कितना मिलेगा, तीन इक्वेशन। तो मान लीजिए n नोड हैं तो कितना इक्वेशन मिलता है, n-1 मिलता है, इस तरह का क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो इस तरीके से मैंने यह बहुत अच्छी चीज़ बताई आपको, अगर आप कंपटीटिव फील्ड से जुड़े हैं तो आपको ज़रूर लगेगा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट था, इसको आप ज़रूर नोट डाउन कर लीजिएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए ये क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, इसमें V1 और V2 का मान निकालना है, किसका किसका, V1 और V2 का मान, इस तरह का क्वेश्चन इसके पहले आया हुआ था लेकिन इसमें केवल इक्वेशन पूछा था, ठीक है ना। यहाँ V1 और V2 को क्या करना है, मान निकालना है, तो देखिए कैसे निकलेगा, किसका किसका मान निकालना है, वेरी V1 और V2 का, तो हम अप्लाई करते हैं, अब यहाँ पे KCL अप्लाई करते हैं सुपर नोड एनालिसिस के थ्रू, तो सुपर नोड एनालिसिस जब यूज करेंगे, ठीक है, तो देखिए क्या मिलेगा, इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट, बस ये कैसे लगाएंगे, जब दो के बीच जो है आपका वोल्टेज सोर्स, दो नोड्स के बीच वोल्टेज सोर्स लगा हो, तो इनकमिंग करंट क्या है, 2 बराबर आउटगोइंग करंट, यहाँ से आउटगोइंग, यहाँ से आउटगोइंग, यहाँ से आउटगोइंग, सबको ऐड कर लेंगे तो यहाँ जो आउटगोइंग होगा क्या होगा, V1/2, यहाँ पे क्या होगा, V2/4, यहाँ पे क्या होगा, C1, तो यहाँ से आपको V1 और V2 में एक इक्वेशन मिल जाएगा। देखिए कैसे, इस 7 को इधर ला लीजिए, यहाँ 4 हो जाएगा, यहाँ पे 2V1 प्लस V2, ठीक है, 2-4 का LCM लेके तो क्या आया, -5, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2V1 प्लस V2/4, इस 4 का है मल्टीप्लाई करेंगे तो -22V1 प्लस V2, यानी कि 2V1 प्लस V2 इज इक्वल टू क्या आया, -20, दिस इज इक्वेशन फर्स्ट, ये आपका इक्वेशन क्या हो गया, फर्स्ट हो गया। अब आप दूसरा इक्वेशन यहाँ पुट करेंगे तो देखिए कैसे, आप दूसरा इक्वेशन कहाँ से पुट करेंगे, देखिए कैसे पुट करेंगे वो हम बता रहे हैं। अब यहाँ पे आपका V1 दे दिया हुआ है, यहाँ पे V1 दे दिया गया है, ठीक है, यहाँ पे आपको क्या दे दिया गया, V2 दे दिया गया है,
ठीक है, यहाँ 2 वोल्ट दिया ही है, अब इसमें आप KVL लगा दीजिए, ठीक है। तो हो गया क्या, यहाँ पे देखिए V1 प्लस से लो से हाई तो प्लस हो गया, हाई से लो भी प्लस हो गया, ठीक है। अब प्लस से हाई से लो ये माइनस हो गया, बराबर क्या हो गया जीरो। V1 प्लस 2 इज इक्वल टू क्या हो गया V2, यानी कि V1 माइनस V2 इज इक्वल टू क्या हो गया -2। ये इक्वेशन आपका क्या हो गया, सेकेंड हो गया। अब इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, ठीक है, लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड। इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड को लेंगे, 2V1 प्लस V2 इज इक्वल टू -20। अभी क्या V1 माइनस V2 इज इक्वल टू -2। अब देखिए ऐड कर दीजिए सीधे तो क्या हो जाएगा, 3V1 इज इक्वल टू -22। क्या हो गया, 3V1 इज इक्वल टू क्या हो गया -22। अब यहाँ से V1 हम क्या लिए, चलिए चलिए देखिए, अब यहाँ से आप V1 निकाल सकते हैं बहुत आसानी से, -22/3 हो जाएगा बोल्ट। अब इस V1 की वैल्यू चाहे इसमें किसी में पुट करके आप V2 की वैल्यू निकाल सकते हैं। V2 की वैल्यू निकाल करके कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा, ठीक है ना। इस तरह से भी क्वेश्चन सॉल्व हो गया, तो अब नेक्स्ट पर चलते हैं। देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन मैं आपको दिया था सॉल्व करने के लिए, मैं इसको खुद ही बता देता हूँ इसका सोल्यूशन क्या होगा, यानी कि इसमें जो फ्लो हो रही है करेंट, इसका मान क्या होगा, इसको कैसे निकालेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे 5 वोल्ट तो दिया ही है, आप इसको V1 मान लीजिए, यहाँ पे क्या मान लीजिए V2 मान लीजिए, यहाँ पे क्या मान लीजिए V1, यहाँ पे क्या मान लीजिए V2, ठीक है। अभी अगर ये V2 का मान जब आपको निकल जाएगा, जब ये V2 का मान निकल जाएगा, तो दोनों का सब्ट्रैक्शन से आपका ये फ्लोइंग करंट आप 5 का उसमें डिवाइड कर देंगे तो फ्लोइंग करंट निकल जाएगी, ठीक है ना। तो बहुत ही आसान है। अब यहाँ V1 और V2, यानी कि इसको जंक्शन आप ये मान लीजिए, इसको नोड्स आप B मान लीजिए, मतलब जंक्शन B और नोड्स A मान लीजिए। अब यहाँ दोनों पर आप KCL जो है क्या कर दीजिए, अप्लाई कर दीजिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे अप्लाई करेंगे जब KCL, तो क्या होगा, व्हाट हैपन देखिए, ठीक है। यहाँ लिखेंगे अप्लाइंग KCL एट पॉइंट A, अप्लाइंग KCL एट पॉइंट ए। आज का ये लास्ट वीडियो है, आप इसको ज़रूर देख लीजिए। एट पॉइंट ए, हम पहले पॉइंट पे हम क्या कर रहे हैं, KCL अप्लाई कर रहे हैं। तो इसमें करंट को आप मान लीजिए, मान लीजिए I1 करंट, इसमें मान लीजिए I1 करंट फ्लो हो रहा है, और जो है ये आपका I1 करंट है, यहाँ पे मान लीजिए I2 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है, यहाँ मान लीजिए I3 एम्पियर करंट क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो आप इस जंक्शन पे KCL अप्लाई कर रहे हैं, तो जो करंट जंक्शन के पास आ रही है वो पॉजिटिव हो जाएगी, I3 प्लस AB1, मतलब समेशन ऑफ इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट, कितना है I है। अब I3 की वैल्यू पुट करेंगे, I3 यहीं फ्लो हो रही है ना, V1 से V2, या हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज, यानी कि V1 माइनस V2/2 हो जाएगा, प्लस 1 है, ये है कि I एम्पियर करंट, यानी कि V2 से 5 वो करंट फ्लो हो रही है, यानी कि हाई है ये लो है, तो यहाँ पे क्या होगा, V2 माइनस 5 कितना ओम का रेसिस्टेंस है, 5 ओम का। तो यहाँ से इक्वेशन 1 मिल गया है आपको। तो जब इक्वेशन 1 मिलेगा तो क्या होगा, V1 माइनस V2/2 इज इक्वल टू V2 माइनस 5/5। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, तो क्या होगा, 5V1 माइनस 5V2/10 इज इक्वल टू 2V2 माइनस 10, ठीक है। अब यहाँ से देखिए 5V1, ये -V2 या -2V2, यहाँ पे V2, और फिर यहाँ पे क्या होगा -2V2, और फिर ये -10 और ये +10 जाएगा, तो क्या हो जाएगा -10, यानी कि क्या होगा 5V1 -7V2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -20। इस तरह से ये इक्वेशन क्या बन गया, 1 मिल गया, ठीक है, ये इक्वेशन 1 हो गया। देखिए अब इस तरह से आपने इक्वेशन फर्स्ट बना लिया, अब आप इस जंक्शन पे पॉइंट बी पर KCL अप्लाई करेंगे, तो यहाँ लिख सकते हैं क्या, अप्लाइंग KCL एट पॉइंट बी। जब आप बी पर आप KCL को अप्लाई करेंगे तो देखिए आपको क्या मिलेगा, यहाँ देखिएगा, पॉइंट बी पर आप KCL अप्लाई कर रहे हैं, मतलब समेशन ऑफ इनकमिंग करंट, कौन सा करंट आ रही है, I1 आ रही है, तो I1 हो गया। आउटगोइंग करंट कौन कौन है, I2 प्लस I3 है, ठीक है ना। तो I1 इज इक्वल टू कितना होगा,
I2 प्लस I3 होगा। तब यहाँ I1 की वैल्यू पुट करेंगे, हाई वोल्टेज टू लो वोल्टेज, यानी कि क्या होगा 5 माइनस V1 अपान 4 इज इक्वल टू I2 कितना होगा, यहाँ पे यहाँ 0 है तो V1 माइनस 0 अपान 2, तो यहाँ पे V1 अपान 2 प्लस I3, I3 क्या होगा V1 माइनस V2 अपान 2, क्या होगा V1 माइनस V2 अपान 2। इस तरह से दूसरा इक्वेशन है। अब दो इक्वेशन आपको मिल जाएगा तो आसानी से V1 और V2 का मान हम फाइंड आउट कर सकेंगे, ठीक है। इस इक्वेशन को छोड़कर हम ऊपर वाला रिमूव करते हैं, देखिए इक्वेशन फर्स्ट तो रहेगा ही रहेगा। अब इसको हम सॉल्व करते हैं तो क्या होगा, ध्यान से देखिए 5 माइनस V1 अपान 4 इज इक्वल टू होगा कितना, ऊपर हम ऐड कर देंगे तो क्या होगा 2 V1 माइनस V2 अपान 2, ठीक है। अब यहाँ से 2 से 2 कट गया तो 2, अब यहाँ 1 5 माइनस V1 इज इक्वल टू 4 V1 माइनस 2 V2, ठीक है। तो अब इसे माइनस V1 को उधर करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस V1, तो 5V1 माइनस 2V2 इज इक्वल टू क्या होगा 5 होगा। तो इस प्रकार आपने क्या देखा, इक्वेशन क्या हो गया सेकेंड हो गया। इक्वेशन 1 तो आपको मिला ही है, इक्वेशन 2 भी आपको मिल गया, ठीक है। अब आप सॉल्व करके आपको क्या निकालना है, आपको V2 निकालना है तभी आपको करंट मिल पाएगा, क्योंकि यहाँ वोल्टेज तो आपको मालूम ही है, यहाँ का वोल्टेज मिल जाएगा तो इसका डिवाइड करके करंट की वैल्यू हम निकाल लेंगे, ठीक है ना। तो हमको क्या निकालना है, V2 निकालना है। इक्वेशन फर्स्ट है ये, अब लिखेंगे फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड इक्वेशन फ्रॉम 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 से देखिए तो 5, यहाँ पे क्या लिख देंगे 5V1 माइनस 2V2 इज इक्वल टू 5। अब देखिए अब इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तभी ये जो है क्या होंगे आपस में कट जाएंगे। यहाँ 7 है 2 है तो क्या होगा 5V2, यहाँ पे क्या हो जाएगा 25, तो यहाँ पे आप V2 निकालेंगे तो क्या होगा 5 वोल्ट। तो यहाँ पे V2 आपकी वैल्यू कितनी आई 5 वोल्ट, और यहाँ भी 5 वोल्ट है तो करंट की वैल्यू आपको क्या होगा, यहाँ पे देखिए क्या पे V2 माइनस 5 अपान 5, यानी कि 5 माइनस 5 अपान 5 तो कितना है 0 अपान 5, मतलब क्या है 0 एम्पियर। तो जो ऑप्शन में 0 एम्पियर था वही क्या हो गया सही हो गया। तो इस प्रकार से ये कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन सॉल्व हुआ। अब हमारी वीडियो अगर आपको यूजफुल हो, अच्छा लग रहा हो, आपको नॉलेज मिल रहा हो, तो आप हमारे वीडियोस को शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए, लाइक भी कीजिए, कमेंट भी कीजिए, और आप इतना ज़रूर करिए हमारे लिए, हम आपसे ये उम्मीद रखते हैं, आशा रखते हैं। बस धन्यवाद।